हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे ही रहिए। गाइस, आज है 9 जनवरी 2022 और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं और 3 दिन से बारिश हो रही है। 3 दिन का मतलब आधा दिन 12 बजे से लगभग बारिश होना शुरू हुई थी और कल के पूरे दिन ही हुई है और आज भी बारिश रात को पूरी रात हुई थी लगभग। और अभी मौसम थोड़ा साफ है तो मैं थोड़ा सा बाहर निकला हूँ, आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और मैं अभी खेतों की तरफ आया हुआ हूँ, खेतों में पानी वगैरह भर गया है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही भाई। कुछ ऐसा बारिश के बाद मौसम साफ हो जाता है, बिल्कुल भी कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं रहता है ना चारों तरफ, इसलिए मौसम थोड़ा सा क्लियर हो जाता है और जो भी धुंध होती है वातावरण में वो सब साफ हो जाती है। और यहाँ पे शायद चिड़िया बोल रही है। और गाइस, जिन लोगों की गेहूं की फसलें हैं, जैसे कि ये बोया है हमारे चाचा ने और जिस दिन बोया था उसी दिन से बारिश शुरू हुई थी, अब क्या होगा अगर इनमें पानी भर गया तो गेहूं अंदर सड़ जाएगा और उनकी फसल बेकार हो जाएगी, जमेगी ही नहीं। तो गाइस, इतना ज़्यादा नुकसान भी देखना पड़ता है किसानों के लिए, बहुत ज़्यादा। नहीं पता नहीं कौन सा गाना गा रही हैं, आपको दिखती होंगी बहुत सारी चिड़ियाँ गाना गा रही हैं, इनकी आवाज़ भी आती होगी, देखिए सुनते हैं। इन्हें हमारे यहाँ चिड़िया नहीं बोलते हैं, इन्हें चिरौटे बोलते हैं। चिरौटे चिड़िया का रूप होता है, मतलब चिरौटा जैसा ही लगता है देखने में भी, तो इन्हें चिरौटा बोला जाता है हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में। बाकी पानी सड़कों के किनारे भर गया है, आपको दिखता होगा टूटी फूटी सड़क हमारे गाँव की, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखी होगी। बाकी चारों तरफ अभी पीले पीले फूल हैं क्योंकि सरसों की खेती वगैरह हो रही है, तो सरसों की खेती होती है तो चारों तरफ पीले पीले फूल हो जाता है। उनकी कटाई होगी तो उनमें एक कीड़ा होता है, उड़ता है, तो आप बाइक लेके कहीं जाते हो हेलमेट वगैरह चश्मा वगैरह नहीं लगाए तो वो आँखों में पड़ते हैं, बहुत बुरी सी बदबू आती है उनमें और उन्हें हमारे यहाँ पे माऊ बोला जाता है। तो जब इनकी कटाई होती है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, जब सरसों की कटाई होती है तो एक कीड़ा इसमें से निकलता है, उसे माऊ बोला जाता है। तो गाइस, चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं आगे। गाइस देखिए, सूर्यदेव हल्का सा झोंका मार रहे हैं, मतलब बार बार निकल आ रहे हैं, बार बार अपनी धूप का लालच दे रहे हैं, मतलब उनको ऐसा दिखा जा रहा है। तो मौसम देखिए कितना ज़्यादा शानदार हो रखा है भाई, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में और काफ़ी अच्छा मौसम आपको देखने में लगता होगा। और आपको एक बात बता दूं, हमारा लॉकडाउन लगा था गाइस कुछ दिनों पहले, तो यहाँ से पहाड़ों की चोटियाँ हमें पीछे दिख रही थी, हमारा जो उत्तर दिशा है बरेली से काफ़ी लोगों ने पहाड़ों के दर्शन किए थे, बरेली से हमारे पहाड़ दिख गए थे, क्योंकि यहाँ से जो उत्तराखंड है वो ज़्यादा दूर नहीं है, उत्तराखंड ऐसे ही होगा अप्रॉक्स यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर, क्योंकि हमारा जो पीलीभीत है उसके बाद से उत्तराखंड शुरू हो जाता है और उत्तराखंड यहाँ से बहुत ज़्यादा पास में ही है। और जो ठंडी ठंडी हवाएं हमारे यहाँ पे आती हैं वो उत्तराखंड की हवाएं डायरेक्ट यहीं पे आती हैं, तो ठंडी ठंडी सब यहीं पे छोड़ देती हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादा ठंड लगती है। सूर्यदेव हल्का हल्का सा झोंका मार रहे हैं अभी, तो धूप जैसी निकल आई है, अब देखते हैं अगर ऐसे ही रही तो घर पर जाके आग जला के बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे पूरे दिन, घर पर जाके आग जला के बैठेंगे। तो ये हमारे गाँव का सेंटर आप देख सकते हैं भाई, पानी भरा हुआ है, तोल वगैरह सब बंद है, गन्ना वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहा है और यहाँ पर भर गया है पानी, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रक वगैरह ही चल सकते हैं, वरना आदमी का तो पसंद नामुमकिन है, गंदगी काफी ज्यादा हो जाती है जहाँ पे सेंटर वगैरह लगते हैं। बारिश के बाद कुछ ऐसा नज़ारा अभी आ रहा है सामने से, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बादल लग रहे हैं, चारों तरफ का कुछ ऐसा नज़ारा है और यहाँ से सन मतलब सूरज झांक रहा है कुछ बादलों को बीच में साइड में करके। बाकी ये चारों तरफ के फूल, इसका फोटो तो कल मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए paras7795। बाकी हमारे यहाँ के जो पोस्टर वगैरह लगे थे सारे फाड़ दिए गए हैं, पूरे गांव से उतार लिए गए हैं, वगैरह उतारने का रीज़न मुझे नहीं पता है कि क्यों उतारे गए हैं, और वैसे सारे पोस्टर मेरे यहाँ से उतार लिए गए पूरे गाँव से। पीछे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत आ रहा है क्योंकि बारिश के बाद जो मौसम खुलता है उसमें रेनबो इंद्रधनुष भी देखने को मिलता है डायरेक्ट, अगर आप तुरंत ही देखते हो तो। और अभी चारों तरफ कुछ ऐसे बादल, बाकी धूप निकला है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक रहेगा, कपड़े भी नहीं सूखे तो आज नहाया भी नहीं। आई होप कि आपको ये सिनेमैटिक शॉट बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी शॉट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मौसम काफ़ी अच्छा सुहावना सा हो रहा है, बूंदे गाइस पड़ने लगी हैं। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं तक लेके जा रहा हूँ और शाम हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, चाहे कल बनाऊँ जब भी बनाऊँगा तो मिलता रहूँगा आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।